आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे आप व्रत में तो खाएंगे ही, पर अगर आपने इस तरीके से एक बार बनाकर खा लिया तो आप इसे नॉर्मल भी बनाएंगे। आज मैं सामक के चावल की गुड़ वाली खीर बनाऊंगी। ये जो गुड़ वाली खीर होती है ना, वो बिहार की ट्रेडिशनल रेसिपी है। हमारे यहाँ जब छठ पूजा होती है तो इस खीर को प्रसाद के रूप में बनाया जाता है और देवता पे भी चढ़ाए जाते हैं। डिफरेंस बस इतना होता है कि उसमें दूध की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है, और आज हम इस खीर को दूध में बनाएंगे तो ये और भी ज्यादा टेस्टी लगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे सामक का चावल ले लिया है। ये जो चावल है ना, वो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी, खासकर अभी नवरात्र का टाइम चल रहा है तो हर दुकान में ये चावल मिल ही जाएगी आपको। काफी छोटे दाने होते हैं इसके, कुछ मिलेट जैसा ही दिखने में लगता है ये। तो सबसे पहले इसे मैंने धो लिया अच्छी तरीके से। अगर आपके पास टाइम हो ना तो आप इसे 1 घंटा के लिए सोक करके भी रख सकते हैं, या आप चाहे तो इसे इंस्टेंट भी बना सकते हैं, बहुत कम समय में बन जाती है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन में थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ताकि जो दूध है वो हमारा तले में चिपके ना, और यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध ऐड कर दिया है। जैसे ही दूध में एक अच्छी उबाल आ जाएगी, इसमें हम ये सामक का चावल ऐड कर देंगे और डालकर ना इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आपको ना इसे स्टार्टिंग के फेज में कंटिन्यू चलाना है, नहीं तो चावल तले में जाकर चिपक भी सकती है, और आप बहुत जल्दी देखेंगे कि जो चावल है वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। कुक होने में इसे बहुत कम समय लगता है, तो इसे हम लो फ्लेम पर 4-5 मिनट के लिए पकने देते हैं, जब तक हम गुड़ का ना एक सीरम बना लेते हैं। तो यहाँ पे गुड़ को मैंने अच्छी तरीके से बारीक कट कर लिया है। आप चाहे तो गुड़ का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। इस खीर को बनाने के लिए हम बिल्कुल भी चीनी का यूज नहीं करेंगे, केवल इसे हम गुड़ में बनाएंगे, और ये ना हेल्दी भी होती है, साथ ही साथ इसका जो टेस्ट होता है ना वो नॉर्मल वाली खीर से काफी अलग होता है। ये जो गुड़ का एक टेस्ट आता है ना, वो बहुत ही अमेजिंग होता है, आप जरूर एक बार इसे ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने गुड़ का सीरम बना लिया है। अब हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेते हैं। तो 1 चम्मच घी में मैंने यहाँ पे बादाम, काजू और किशमिस लिया है। आप चाहे तो इसमें ना अपने पसंद के और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। आप इसमें ना नारियल, जो सूखी नारियल होती है ना, उसे भी ऐड कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छा फ्लेवर ऐड करता है। यहाँ पे हमारी ड्राई फ्रूट रोस्ट हो गई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं खीर भी गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है, और ये जो सामक की चावल है वो भी ऑलमोस्ट पक गई है। यहाँ पे खीर आपको थोड़ा ज्यादा गाढ़ा दिख रहा होगा, तो यहाँ पे खीर की कंसिस्टेंसी आपको पतली नहीं रखनी है, क्योंकि इसमें हम गुड़ का सीरम ऐड करेंगे ना तो वो और भी पतला कर देगा। तो ये जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट है। खीर को हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे पहले, उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे इलायची का पाउडर, और जो गुड़ का सीरम हमने बनाया था ना वो ऐड कर देंगे, साथ इसमें हम ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देंगे। काफी लोगों को गुड़ की खीर बनाने में ये दिक्कत आती है कि जैसे ही वो गुड़ ऐड करते हैं ना, खीर में दूध जो है वो फट जाती है। तो इसके लिए ना आप हल्का सा खीर को पहले ठंडा कर ले, उसके बाद आप गुड़ ऐड करें, या गुड़ का सीरम आप ऐड कर सकते हैं, जैसे भी आप इसमें ऐड करना चाहें। तो इस तरीके से अगर आप ऐड करेंगे ना तो खीर आपकी कभी भी नहीं फटेगी, ये गारंटी है, और बहुत ही अच्छी टेस्ट भी आती है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा गुड़ है वो भी ऑलमोस्ट पक गया है। इस तरीके से सीरम बनाकर खीर में ऐड करेंगे ना तो खीर का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, और जो गुड़ होता है वो तो इस तरीके से पक भी जाती है, जिससे खीर में एक सोंधापन ऐड हो जाता है और खीर का जो टेस्ट है ना वो नेक्स्ट लेवल चला जाता है। तो आप भी एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आप इस तरीके की और भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ मैं नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करूंगी, जिसे आप इस नवरात्रि एंजॉय कर सकते हैं। ऑलरेडी मेरे चैनल पे काफी सारे नवरात्रि के जो रेसिपी है वो अपलोड है, आप उसे भी देख सकते हैं, और आने वाले रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी नवरात्रि।